लॉकडाउन के दौरान ग्वालियर में इंदरगंज थाना इलाके के रोशनी घर रोड पे सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। इंदरगंज चौराहे के पास एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। आग की लपटें चंद मिनटों में ही दुकान और मकान में फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, साथ ही लोगों को रेस्क्यू किया गया। घर से रेस्क्यू कर 8 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन इस हादसे में 4 महिलाओं और 3 बच्चियों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा हुआ, किस तरह से हुआ, कितने लोगों की इसमें डेथ हुई और क्या हुआ ऑपरेशन में पूरा? ये दुखद हादसा जो अपन अभी इंदरगंज थाना पे खड़े हैं, यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर हुआ है और ये सुबह करीब 10 बजे की घटना है। तो जैसे ही खबर लगी, तो क्योंकि पुलिस लॉकडाउन के चलते अधिकांश रोड पे ही थी, हम सब लोग बाहर ही थे, तो जैसे ही खबर लगी है तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड भी आ गई तुरंत। लेकिन चूंकि जैसा आपने देखा होगा वो 3 मंजिल का मकान है और काफ़ी लंबा 80 फुट की गहराई है उसकी, और ये भी पता लगा है कि उसमें कुछ ऑयल पेंट का काम था। तो आग लगते ही एकदम इतनी तेज़ी से आग बढ़ी कि हम लोग मदद कर पाने में बड़े असमर्थ रहे। फिर भी पूरी टीम लगी रही, लगातार उसमें अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही कम आग हुई तो अंदर जाके उसमें से कुछ लोगों को निकाला, उसमें 2 बच्चे अच्छी हालत में थे। और ये बड़े दुख की बात है कि इसमें से 4 महिलाएं और 3 बच्चे, उनको नहीं बचा पाए। कितनी लोगों की मौत हुई? कुल मिला के 7 कैजुअल्टी हुई हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं, 3 बच्चे। भाई तो ये लापरवाही किधर से रही? अब चूंकि दमकल धमकी की तरफ नहीं, नहीं, वैसे मकान मालिक वैसे मैं ये जहाँ तक ये घटना की खबर लग गई, 5 से 7 मिनट में फायर ब्रिगेड और पुलिस का अमला सब आ गया था और लगातार जब से लगे हुए थे एसपी सर भी मौके पे ही काफ़ी देर रहे हैं। नगर निगम आयुक्त साहब आ गए थे, कलेक्टर साहब आए, DI साहब भी आए। तो मुझे लग रहा है ऐसा सब लोगों का यही प्रयास था कि कम से कम जनहानि हो। लेकिन जिस ढंग से घर की बनावट है, 3 मंजिल का मकान है, काफ़ी गहराई 80 फीट की है, तो उसमें अंदर तक पता नहीं लग पा रहा था, जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और मुझे लग रहा है जो आग थी वो ऑयल पेंट से बड़ा बेसैला धुआं हो रहा था। हमारी टीम के लोग अंदर भी जा रहे थे, इतना ख़राब धुआं था कि उसमें अंदर तक जा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बेकाबू आग का। आपको बता दें कि आग कैसे लगी है इसका पता नहीं चल पाया है। लोगों के मुताबिक बिल्डिंग में स्थित एक ऑयल पेंट की दुकान में आग लगी थी, जिसके बाद आग वहीं से आसपास के इलाकों में फैली। फिलहाल मकान में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ डेस्क।